हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। महात्मा गांधी जी की जीवन परिचय की सीरीज में ये तीसरी वीडियो है। जिन लोगों ने इससे पहले के दो पार्ट नहीं देखे तो पहले प्लीज़ उन्हें देख लें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, तो पहले उन्हें देख लीजिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो गांधी जी के मूवमेंट हम लोग पढ़ लेते। पहले सबसे पहले हमने चंपारण सत्याग्रह देखा, फिर असहयोग आंदोलन देखा, और अब सभी ने अवज्ञा आंदोलन देख रहे हैं। उससे रिलेटेड इनके बीच में जो पार्ट्स थे, जो फैक्ट थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। तो ये लास्ट वीडियो होगी गांधी जी के जीवन परिचय से संबंधित, और इसको मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया है आपको सारे के सारे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी ने अविज्ञान आंदोलन के बारे में पिछले में बता चुका था, 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। कारण था जो यंग इंडिया समाचार पत्र के लेख के कारण ब्रिटिश सरकार से इन्होंने 11 सूत्री मांग रखी थी, लेकिन इसमें स्वतंत्रता की मांग तो शामिल नहीं थी, लेकिन इसे ब्रिटिश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था, और इसके बाद ही फिर इन्होंने दांडी मार्च किया था। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अंतिम इस पत्र में भारत की 11 सूत्री मांगों की क्या प्रस्तुति थी, ये वैसे एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन शुरू के 5 या 6 आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के लेवल में ये क्वेश्चन बन जाते हैं। भूमि कर में 50% की कमी, नमक कर सरकार द्वारा नमक का एकाधिकार की समाप्ति, तटीय संचार में भारत के लिए आरक्षण, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात कम करना, देसी कपड़ा उद्योगों का संरक्षण देना, सैनिक खर्च में 50% की कमी सी, इस तरह से पूरे 11 फैक्ट थे, ठीक है। और इसमें दो जो मांगे थी वो किसानों की मांगी थी, जबकि 3 से 5 एक बुजुर्गों की प्रकृति की मांगे थी, जबकि 6 मांगे भारत की आम जनता द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग पॉइंट्स याद रख लें। इसके बाद अगर हम बात करें, इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था ब्रिटिश सरकार के आंदोलन को नीचे झुकाना था, ब्रिटिश सरकार को सामूहिक रूप से नीचे झुकाना था, ठीक है। लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत के जितने भी आंदोलनकारी थे, जिसमें महात्मा गांधी, ये सबको इन्हें जेल में डाल दिया गया था। इसके बाद होता क्या है कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता बोला जाता है, ठीक है। 1931 में होता है, इसका ईयर भी याद रखेंगे 1931, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या था कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ जो कांग्रेस थे, गांधी जी के साथ चाहते थे, लगातार प्रयासों के बाद भी ये कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इसके परिणामस्वरूप लॉर्ड इरविन ने मार्च 1931 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, और जिसे गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, इसके तहत गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी ने अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए तथा पुलिस जो जायती करी थी उसकी जांच करने के लिए दबाव न देने की बात मान ली गई थी, ठीक है। इसमें गांधी जी ने कहा दिया था, ठीक है चलो हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप लोगों को हम चले जाएंगे, साथ में पुलिस द्वारा जो जायती की जाँच है वो भी उस पर दबाव नहीं आने देंगे, ये इस तरह की कुछ थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन है उसको भी वापस ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद गांधी जी भाग लेने गए 19वें गोलमेज सम्मेलन में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं फ्रेंड्स, और तीनों में भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया है, जबकि गांधी जी ने 2वें गोलमेज में किया है। और गांधी जी गए वहाँ पर भाग लिया, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकला, इसी वजह से भारत वापस आए, और ठीक है। और फिर इन्हें जो है 1932 में येरवादा जेल में ही चुनाव के विरोध में अलग से इन्हें उपवास इन्होंने रख लिया, और वहीं इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया येरवादा में। और यहाँ पर ही इन्होंने येरवादा जेल में ही 1933 में हरिजन पुस्तिका प्रारंभ की साबरमती तट पर, और यहाँ पर ही इन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर आ जाता है 1932 में ही इन्होंने भीमराव अंबेडकर के साथ में ही समझौता भी किया था, ठीक है। इसके बाद 1936 में वर्धा के निकट गांव में चयन के बाद सेवाग्राम आश्रम बनाया, अस्पृश्यता का निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की, और 1938 में बादशाह खान के साथ NWPF का दौरा किया, ठीक है। इसके बाद है व्यक्तिगत 1940 में, ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की इन्होंने घोषणा की कि जो जैसा है अपने व्यक्तिगत लड़ो, और पहले व्यक्तिगत जो बने थे वो बने थे विनोबा भावे, उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह चुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज, ठीक है इसको कर ले। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने के बाद पुनः प्रकाशन, क्रिप्स मिशन की असफलता, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहना। 1932 में हरिजा पत्रिका जो है 15 महीने का बाद उन्हें पुनः प्रकाशन हुआ, क्रिप्स मिशन की असफलता हुई, और उसके बाद होता है भारत छोड़ो आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेट आप लोगों को याद रखनी है, ये डेट पूछ लेते हैं 9 अगस्त 1942। इसका विवरण जो है भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था, और इसका मूल मंत्र करो या मरो, परिणाम यह आंदोलन भारत के स्वतंत्र भले ही न करवा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा, ये इसका था, इसके लिए भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाला अंतिम महाप्रयास था। 1944 में 22 फरवरी को आगा खां पैलेस में कस्तूरबा 62 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हो गई, 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की उम्र में ये
इनकी डेथ हो गई थी इनकी वाइफ की, इसलिए याद रखेंगे। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट हुई। पूर्वी बंगाल के 49 गांवों को शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग में भड़की हुई थी। 1947 में इन्होंने बिहार में यात्रा की सांप्रदायिक शांति के लिए। नई दिल्ली में लॉर्ड मेडन व जिन्ना से भेंट की। देश का विभाजन का विरोध भी किया था और देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास व प्रार्थना भी की थी। गांधी जी से लोग हमेशा परेशान रहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना और उनके बेटे हरिलाल से, ये इन दो लोगों से हमेशा परेशान रहते थे। अब मोहम्मद अली जिन्होंने असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। तेज बहादुर सप्रू और एम आर जफर की सहायता से गांधी इरवन का समझौता हो पाया, ये भी फैक्ट याद रख लेंगे। और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी सहित अन्य देशों को नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर्स नाम दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1942 में भारत छोड़ो मूवमेंट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें जो ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन जीरो आवर। और गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो गुजराती भाषा में लिखी गई, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन का क्या फैक्ट था, जो गोलमेज सम्मेलन होते थे असल में 1930 से स्टार्ट हुए थे लंदन में, और जिसमें भारत की तरफ से 89 सदस्यों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। भीमराव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सभी में भाग लिया, गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में लिया, ठीक है। और ये गांधी जी इस भाग लिया तो धोती में चले गए, वहाँ पहुँचते ही चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर भी कहा था, जब द्वितीय गोलमेज 1931 में ये पहुँचे थे तो, ठीक है। इसके बाद गांधी जी ने दलितों के संविधान को दिए जाने वाले कोटे का विरोध किया था, और फंक ने गांधी को देशद्रोही तक कह दिया था। और गांधी जी ने कांग्रेसी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, 1901 में कांग्रेस पार्टी अपनाई, ये याद रखेंगे, कांग्रेस पार्टी 1921 में अपनाई थी। इसके बाद अगर हम बात करें 1948 का जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली के बिरला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में था। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट हुआ। 30 जनवरी को नाथेराम गोडसे द्वारा शाम को प्रार्थना के लिए जाते समय बिरला हाउस में दिल्ली में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। और गांधी जी की मृत्यु के बाद कंधा देने वाले मुस्लिम अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। शहीद दिवस जो मनाया जाता है 30 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी पुण्यतिथि पर गांधी जी की। और गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे राजघाट नामक स्थान पर है, ये अभी आप लोग याद रखेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा बापू अनेक नाम से जाने जाते हैं, आप लोगों को पता है महात्मा संस्कृत शब्द है जबकि बापू गुजराती है। और गांधी जी महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, और ये पंसारी जाति के थे। दूसरा, गांधी जी इंग्लैंड से गए थे तो जहाज का नाम MS राजपुताना था, जो वह इंग्लैंड जिसे वह इंग्लैंड से गए जिससे। तो फ्रेंड्स, ये गांधी जी का संपूर्ण परिचय मैंने 3 वीडियोस में आप लोगों को दे दिया, Part 1, Part 2, Part 3। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच।